लॉ ऑफ टॉर्च के इस लेक्चर सीरीज में आज हम एक दूसरे टॉर्च के बारे में बात करेंगे विच इज कन्वर्जन एंड दिस इज लास्ट क्लास ऑन लॉ ऑफ टॉर्च। अपने अब तक के वीडियोस में हमने लॉ ऑफ टॉर्च के उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया है डिटेल्ड वे में जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आप लॉ ऑफ टॉर्च का एग्जाम देने जा रहे हो तो अगर आप इन सभी वीडियोस को फॉलो कर लेते हो, नोट्स बना लेते हो, तो एग्जाम में सभी क्वेश्चंस के आंसर आप आसानी से एक्सप्लेन कर ले जाओगे। इसके अलावा लॉ ऑफ टॉर्च में आपको कुछ नहीं पढ़ना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में, जो कि एक प्रकार का टॉर्च है। अक्सर एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चंस में कन्वर्जन पूछ लेता है, तो इस टॉर्च को हम शॉर्ट में समझेंगे कि कन्वर्जन क्या है, इसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या क्या हैं और क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। राइट, तो कन्वर्जन नाम से ही क्लियर है, टू कन्वर्ट समथिंग, टू ट्रांसफॉर्म समथिंग, टू अल्टर समथिंग, किसी चीज में बदलाव करना, मॉडिफिकेशन करना, रिकंस्ट्रक्ट करना, कन्वर्जन कहलाता है। लेकिन लॉ ऑफ टॉर्च में इसके जो मायने हैं वो वॉइडर हो जाते हैं और कई सारे एक्ट्स हैं जो कन्वर्जन के कैटेगरी में आएंगे। अभी के लिए हम कन्वर्जन के लिटरल मीनिंग को समझ रहे हैं। तो कन्वर्जन मीन्स टू रिकंस्ट्रक्ट, टू मॉडिफाई समथिंग, टू अल्टर समथिंग और टू चेंज इट्स फॉर्म इन एनी मैनर। राइट, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग समथिंग, चेंजिंग इट्स स्टेट, उसके स्टेट को चेंज करना, उसके फॉर्म को चेंज करना कन्वर्जन कहलाता है। अब ये जो स्टेट है ये उसका कैरेक्टर भी हो सकता है। टू चेंज कैरेक्टर ऑफ समथिंग, टू चेंज फॉर्म ऑफ समथिंग, टू मेक अल्टरेशन इन फंक्शंस ऑफ समथिंग, नोन एज कन्वर्जन। क्या है? कन्वर्जन है तो बेसिकली एक ऐसा एक्ट जिसके तहत एक पर्सन किसी पर्टिकुलर थिंग के, किसी पर्टिकुलर चीज के स्टेट, फॉर्म, फंक्शन, कैरेक्टर में बदलाव करता है। तो ये एक टॉर्च है जिसे हम कहेंगे कन्वर्जन। राइट, तो हाउ कैन कन्वर्जन में अकर? जब आप किसी पर्सन के प्रॉपर्टी को उसके परमिशन के बगैर, उसके कंसेंट के बगैर अपने पोजीशन में ले लेते हो, अनऑथराइज्ड पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी कॉजिंग कर्टेलमेंट ऑफ ओनर्स पोजीशन, तो इससे क्या होता है? इससे उस पर्टिकुलर पर्सन जो कि उसका ओनर है उसके राइट्स का वॉयलेशन होता है। या जब आप उसकी प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई अल्टरेशन करते हो, कोई चेंजेस लाते हो उसके कंसेंट के बगैर, तो ये भी उसके लीगल राइट्स का वॉयलेशन है, कर्टेलमेंट है उसके राइट्स का। द एसेंस ऑफ कन्वर्जन इज नॉट टू बेनिफिट द रॉन्ग टेकर बट डेट्रीमेंट टू राइटफुल ओनर। तो कन्वर्जन का जो कॉन्सेप्ट है, जो कन्वर्जन टॉर्च है, इसे लाया गया है इसलिए ताकि जो पर्सन किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का राइटफुल ओनर है उसके राइट्स को इंटैक्ट किया जा सके, उसके राइट्स को बचाया जा सके, और इससे जो रॉन्गफुल टेकर है जिसने उस गुड्स के पोजीशन को अपने पास रखा है उसे किसी प्रकार का कोई अनड्यू एडवांटेज ना पहुंचे। राइट, कन्वर्जन में अकर व्हेन समवन एक्टिंग विदाउट योर कंसेंट। तो कन्वर्जन कैसे हो सकता? तो कह रहा है जब कोई पर्सन बिना आपके कंसेंट के इन
सभी एक्टिविटीज में से कोई एक एक्टिविटी करता है बिना आपके कंसेंट के, तो वो कन्वर्जन है, ये एक टॉर्ट है और आप इसके लिए कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकते हो, कोर्ट से रिलीफ मांग सकते हो। जैसे टेक्स एंड फेल्स टू रिटर्न योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, आपके किसी प्रॉपर्टी को आपके परमिशन से अपने पास लेता है लेकिन आपके मांगने पर उसे रिटर्न नहीं करता है, तो ये भी क्या है? टॉर्ट है, कन्वर्जन है। दूसरा, सेल योर प्रॉपर्टी, आपके प्रॉपर्टी को बिना आपके कंसेंट के किसी दूसरे पर्सन को बेच डालता है, तो ये भी कन्वर्जन है। मेकिंग एनी काइंड ऑफ अल्टरेशन मॉडिफिकेशन इन योर प्रॉपर्टी विदाउट योर कंसेंट, आपके कंसेंट के बिना आपके प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई बदलाव लाता है, मॉडिफिकेशन करता है, तो ये भी क्या है? कन्वर्जन है। या आपके प्रॉपर्टी को किसी प्रकार से हानि पहुंचाता है, डैमेजेस पहुंचाता है, तो ये भी कन्वर्जन है। तो यानी अगर एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन के प्रॉपर्टी में इन सभी एक्टिविटीज में से कोई एक या एक से अधिक एक्टिविटीज करता है तो उसका जो एक्ट है वो टॉर्ट में आएगा, और टॉर्ट में भी कौन सा टॉर्ट? कन्वर्जन, राइट। अब जैसे मान लो मिक्सिंग ऑफ 200 ml ऑफ वाटर इन 1000 ml ऑफ मिल्क, 1000 ml दूध में जब आप 200 ml पानी मिलाते हो, तो ये भी क्या है? ये कन्वर्जन है, क्योंकि आपने उसके फॉर्म में चेंज कर दिया। अडल्टरेशन, ये भी क्या है? कन्वर्जन है, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कन्वर्जन को हम डिफरेंट नाम से जानते हैं। जैसे सेक्शन 425 ऑफ IPC जो कि बात करता है मिसचीफ के बारे में, जब आप कन्वर्जन के साथ पनिशमेंट ऐड कर देते हो तो वो मिसचीफ कहलाता है, और सेक्शन 425 ऑफ IPC मिसचीफ के बारे में बात करता है। तो कन्वर्जन प्लस पनिशमेंट इज इक्वल्स टू मिसचीफ। तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में कन्वर्जन के डिफरेंट डिफरेंट नाम हो सकते हैं। जब हमने कन्वर्जन में पनिशमेंट ऐड कर दिया तो ये कन्वर्जन क्या कहलाया? मिसचीफ कहलाया, सेक्शन 425 ऑफ IPC। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए ऑफ फूड अडल्टरेशन एक्ट डिफाइंस अडल्टर्ड गुड्स। तो अडल्टर्ड गुड्स यानी उसके फॉर्म में चेंजेस हैं, उसमें मिलावट है, अडल्टरेशन है, तो ये भी क्या है? कन्वर्जन का ही एक फॉर्म है। तीसरा, सेक्शन 27 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो कि बात करता है नेमो दैट क्वोट नॉन हैबिट प्रिंसिपल के बारे में, विच मीन्स नो वन कैन हैव बेटर टाइटल देन ओनर हिमसेल्फ। किसी प्रॉपर्टी का जो ओनर है उसके पास उस प्रॉपर्टी को लेकर के जो एक्सक्लूसिव राइट्स अवेलेबल हैं वो किसी दूसरे पर्सन के पास अवेलेबल नहीं होते हैं, राइट। अब यहां पे जो नेमो दैट कोड नॉन हैबिट का रूल है ये कन्वर्जन का ही एक एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल, कार ड्राइवर जिसके पास कुछ समय के लिए ओनर के कार का पोजीशन होता है ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स, अगर वो उस कार को किसी दूसरे पर्सन को सेल कर देता है बिना ओनर के कंसेंट के, तो ये भी क्या है? कन्वर्जन है, क्योंकि उस कार से जुड़े जो भी एक्सक्लूसिव राइट्स हैं वो केवल और केवल उस ओनर को ही अवेलेबल है। अगर सर्वेंट ऐसा करता है तो बेसिकली उसने ओनर के राइट्स का वॉयलेशन किया है, राइट। तो कन्वर्जन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं शॉर्ट में? तो हम ये कह सकते हैं विलफुली एंड विदाउट एनी जस्टिफिकेशन डीलिंग विथ गुड्स इन सच अ मैनर
दैट अनदर पर्सन, दूसरा व्यक्ति, हु इज एंटाइटल्ड टू इमीडिएट यूज, राइट, एंड पोजेशन ऑफ सेम इज डिप्राइव्ड ऑफ इट. तो जब आप विलफुली यानी अपनी इच्छा से बिना किसी लीगल जस्टिफिकेशन के किसी गुड्स के साथ कुछ इस तरह से डील करते हो जिससे सामने वाला व्यक्ति जो उस गुड्स के इमीडिएट पोजीशन में था वो उस गुड्स से जुड़े अधिकार से वंचित हो गया, तो ये कन्वर्जन है. इट इज अ टॉट. एग्जाम्पल, रिफ्यूजिंग टू डिलीवर प्लेंटिप्स गुड. आपने किसी पर्सन के गुड्स को लिया उसके कंसेंट से, उसके परमिशन से, लेकिन अब जब वो मांग रहा है तो यू आर नॉट रिटर्निंग दैट, आप उसे लौटा नहीं रहे हो, ये कन्वर्जन है. उस गुड्स को अपने यूज में लाना, कंज्यूम करना या किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर देना कन्वर्जन है, या उस गुड्स को डिस्ट्रॉय कर देना, डिस्ट्रॉइंग देम और डैमेजिंग देम इन अ वे दैट दे लूज देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी. उस गुड्स को डिस्ट्रॉय करना, डैमेज करना इस तरह से कि वो गुड्स अपने ओरिजिनल फॉर्म में ना हो करके चेंज हो गया हो. तो ये सभी एग्जांपल्स क्या हैं? कन्वर्जन के एग्जांपल्स हैं. और कन्वर्जन लॉ ऑफ टॉट्स में एक टॉट है, क्योंकि आपके गुड्स को आपके अलावा अगर कोई पर्सन किसी भी प्रकार से यूज में लाता है या सेल करता है, मॉडिफाई करता है, अल्टर करता है, चेंज करता है, डिस्ट्रॉय करता है, तो ये बेसिकली आपके राइट्स का वॉयलेशन है और ये टॉट है, राइट. दिस इज लास्ट क्लास ऑन लॉ ऑफ टॉट्स. हमने अब तक के वीडियोस में लॉ ऑफ टॉट्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है. अगर आप इन सभी वीडियोस को फॉलो करते हो, नोट्स बनाते हो, तो एग्जाम का जो लेवल है वो कैसा भी आ जाए, आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को एक्सप्लेन कर ले जाओगे और एक अच्छा मार्क्स सिक्योर करोगे. विद दिस होप, थैंक यू, हैव अ नाइस डे. टुगेदर वी लर्न, टुगेदर वी ग्रो.